కేరళలో వరదలు సృష్టించిన భీభత్సం అంతా ఇంతా కాదు. వరద బాధితులకు సహాయం అందించడంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. వరదల్లో చిక్కుకున్న వందల మంది ప్రాణాలు కాపాడారు. వర్షాలు తగ్గి వరదలు శాంతించడంతో వారి సహాయక చర్యలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. కేరళ వరద సహాయక చర్యలు పాల్గొన్న చెన్నై ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందంతో మా ప్రతినిధి రాఘవేంద్ర ఫేస్ టు ఫేస్. భారీ వర్షాలు వరదలతో అతలాకుతలమైన కేరళ రాష్ట్రంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఆగస్టు 9 నుంచి మొదలుపెట్టింది. ఈ సీజన్ నుంచి మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా భారీ వర్షాలు వరదలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి, దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలన్నీ కూడా కేరళ చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం మనతో చెన్నైకి సంబంధించిన టీం ఉన్నారు. వారు ఆగస్టు 9 ఇక్కడికి కేరళ చేరుకున్నాడు. వివిధ ప్రాంతాల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. వారికి అవసరమైన, ప్రజలకు అవసరమైన రిలీఫ్ మెటీరియల్ వీటన్నిటి కూడా అందించారు. వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి, వాటిని ఏ విధంగా ఎదుర్కొన్నారు, ఎట్లా రెస్క్యూ చేశారు, వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, కేరళకి ఫ్లడ్స్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కి లియా హై కబ అయితే పైలే యహా సిచ్యువేషన్ కైసా తా ఉస్ దిన్? యాక్చువల్లీ హమ్ లోగ్ 9th ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఆయే థే, లేకిన్ ప్రారంభ మే హమారీ జో టీమ్ థీ వో వయనాడ్ డిస్ట్రిక్ట్ మే డిప్లాయ్ థీ. तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, क्योंकि उसके बाद लगातार बारिश हो रही थी, तो वहाँ जो भी लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया या फिर जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया. उसके बाद जो है हमारी टीम 20 तारीख को जो है यहाँ तिरुवल्ला तालुक में आई, और उसके बाद जो है हम जो भी एरिया बचे हुए थे जहाँ के लोग अभी इवैक्यूएट नहीं हुए थे, उनको इवैक्यूएशन करके उनको शेल्टर में पहुँचा. किस तरफ का रेस्क्यू ऑपरेशन के समय में किस तरफ का आपका दिक्कतें आपने सामने करने पड़ा? एक तो जनरली हम लोगों का फ्लड का ज्यादा एक्सपीरियंस है एनडीआरएफ का. इसमें जनरली क्या होते हैं कि कोई जो आदमी जिसका जहां घर रहता है, जल्दी वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं. उनको कन्विंस करना, उनको बताना कि धीरे धीरे, क्योंकि बारिश होगी तो पानी का जलस्तर बढ़ेगा, डैम खुलेंगे, जलस्तर बढ़ेगा, इससे जो है इफेक्ट हो सकते हैं. तो उनको कन्विंस करके कई लोग उसमें जो है आए भी शेल्टर में, कई लोग वहाँ रुक गए थे. जो बाद में जैसे हम लोग परसों जो है कुछ एरिया गया था, तो वहाँ वैसे पानी का जो है लेवल कम हो रहा है, लेकिन लोग बीमार हो रहे थे वहाँ रहते रहते. तो फिर हम लोगों ने उनको जो है रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल और जो भी शेल्टर है उनमें पहुँचाया था. पहले भी आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करे होंगे दूसरी स्टेट्स में, उसके वो स्टेट्स अब केरला के डिफरेंसेस क्या है? हाँ, हम लोगों ने कई प्रकार के जो है खास करके फ्लड रेस्क्यू तो कई स्टेटों में किया है. पिछले साल वेस्ट बंगाल का था, गुजरात का था, इसके अलावा बिहार फ्लड में कई लोग हमारी कई टीमें गई थी. तो जनरली जो सभी स्टेट में और इस स्टेट में फ़र्क है कि केरला के पीपल जो हैं वो खास करके यहाँ की जो आम जनता है वो काफ़ी जो है हेल्पफुल है. कहने का मतलब रिलीफ मटेरियल हो या फिर असिस्टेंस हो, तो सरकार की तरफ से, यहाँ की जो है लोकल पीपल की तरफ से, जनरली सभी स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ के जो है लोग, और काफ़ी दिनों बाद इस तरह की त्रासदी केरला में आई थी, तो यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा और प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा. यहाँ तो गांव देखे तो बहुत छोटा छोटा है. आपका बोट्स जाने के लिए आपने कैसा प्लान किया? व्हाट वाज द चैलेंजेस यू फेस? पहले तो सबसे पहले हमें यहाँ के लोकेलिटी के बारे में हम लोग अनअवेयर रहते हैं, तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ का स्थानीय आदमी हो या प्रशासन का या कोई पुलिस का कोई भी स्थानीय आदमी हो, उसको हम अपने साथ ले चलते हैं, क्योंकि उनको सभी एरिया के बारे में पता है, कहाँ पॉपुलेशन है उसके बारे में पता है. उनके साथ चल के फिर हम वाटर लेवल को चेक करते हुए, जहाँ ऐसा पानी का करंट ज़्यादा रहता है वहाँ रस्सी के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से हम जो है लोगों को रेस्क्यू करते हैं. तो अब इस दिन में आपको क्या लग रहा है? पहले अगस्त 9 को आए थे, अब कम हुआ, लोग पूरे गांव जा रहे, गांवों को फिर जा रहे, क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? जहाँ तक हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ इस जगह का, तो अभी धीरे धीरे पानी का जलस्तर कम हो रहा है, तो जहाँ पानी खत्म हो रहा है वहाँ लोग धीरे धीरे अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें जो है कई लोगों के घर में पानी और कीचड़ वगैरह का जो है कीचड़ वगैरह की समस्या है, जिसको वो साफ करके धीरे धीरे जो है अपने घर में जा रहे हैं. इसके अलावा जहाँ तक जो है हम रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ जो है हमारी बोट और हमारे लोगों के माध्यम से और दूसरी एजेंसियों के माध्यम से उनको जो है रिलीफ मटेरियल दिया जा रहा है. तो आपको अब सेटिस्फाई है यहाँ केरला में जो रेस्क्यू ऑपरेशन करे, आपको पूरी आप सेटिस्फाई हुए, लोगों को यू आर प्रोटेक्टेड, लोगों को, जनता को आप प्रोटेक्ट किया, सेटिस्फाइड विथ योर वर्क?
एक्चुअली एनडीआरएफ में तो हमारी ये ड्यूटी है कि लोगों को रेस्क्यू करना, लेकिन अगर हम हमारे टीम के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से किसी भी एक व्यक्ति का भी अगर जान बचता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि जिंदगी जो है बचाना एक बहुत बड़ा जो है वर्क है। तो हम लोग इसमें निरंतर लगे रहते हैं और अगर हम लोगों के द्वारा किसी की जान बचती है तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। ओके, अगस्त 9 टीम अंत కేరళ చేరుకున్నారు, వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ జిల్లాల్లో తిరిగి ఎవరైతే వరదల్లో చిక్కున్నారో వారందరినీ రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. పూర్తి స్థాయిలో పని ఇక్కడ చేసిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ సంతృప్తి ఇచ్చిందని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సభ్యులు చెప్తున్నారు. కేవలం రాజ్ కుమార్తో కలిసి రాఘవేంద్ర, ఎన్టీవీ.